स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं ब्लूटूथ हेडफोन को हम कैसे अपने फ़ोन से डिसकनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये रेडमी का फ़ोन है जो कि रेडमी 9A है। और सबसे पहले आपको क्या कर लेना होगा, सेटिंग पर जाना होगा। तो सेटिंग पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको इस तरीके का ये आइकन शो करेगा। आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ब्लूटूथ दिखा रहा है आपको तो ब्लूटूथ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का इंटरफेस नज़र आ जाएगा। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखा रहा है बॉट का जो है वो कनेक्ट है। तो हम इस पर राइट साइड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का इंटरफेस नज़र आ जाएगा। और आपको क्या कर लेना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है अनपेयर लिखा हुआ है तो आप अनपेयर पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपको ये दिखा, आपको ये बताने लग जाएगा कि डिसकनेक्टेड, यानी कि ये डिसकनेक्ट हो चुका है। तो इस प्रकार से हम अपने फ़ोन, अपने हेडफोन को हम डिसकनेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए PC से रिलेटेड या फिर फ़ोन से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।